महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पति श्री गोविंद सहाय वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी वर्मा थी। इन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त की। संगीत, दर्शन और चित्रकला में आपकी प्रगाढ़ रुचि रही है। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, शांतगीत इत्यादि है। निबंध, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अबला विधवा, श्रृंखला की कड़ियां, इसकी प्रभु निबंध रचना है। भाषा शैली, महादेवी वर्मा जी की भाषा विशिष्ट साहित्यिक खड़ी बोली है। आवश्यकता अनुसार देशज, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग। प्रत्येक शब्द में चित्र और संगीत छिपा रहता है। प्रकृति का चित्रण, नक्शिक वर्णन इस शैली में प्रस्तुत होता है। साहित्य में स्थान, महादेवी वर्मा आधुनिक युग के मीरा के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इनकी रचना यामा को मंगला प्रसाद पारितोषक तथा काव्य संकलन निर्जा को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म विभूषण अलंकार, भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी, भारत भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।